दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का बाजार देख लेते हैं। उसके पहले एक सूचना, कल मंडी चालू रहेगी। मंडी में किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं है और गुरु गोविंद सिंह का कोई अवकाश नहीं रहता है जयंती का, तो कल मंडी चालू रहेगी। इसके अलावा सभी जिनसों के बाजार लहसुन में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 12,500 तक ऊपर में बिका है पुराना माल। हर क्वालिटी का बाजार देख लेते हैं, कौन सी क्वालिटी क्या भाव बिक रही है और कैसी तेजी मती देखने को मिल रही है। स्टार्ट करते हैं आज के बाजार। जीटू लहसुन है, टॉप क्वालिटी का, बॉक्स क्वालिटी का माल जीटू लहसुन देख सकते हैं। टॉप क्वालिटी तेजी दे सकते हैं, तेजी का कोई पैमाना नहीं है। 12,500 किसान भाई का माल है जीटू लहसुन। कई नाम दादा आपको? जितेंद्र पाटीदार। जितेंद्र जी पाटीदार साहब है और ये जीटू लहसुन है, इनका लॉट अच्छा माल है, स्पेशल माल है, एक नंबर क्वालिटी का माल है। स्पेशल माल 9,000 से 10,000 ऊँटी मोटे लड्डू फुल गोले टाइप मिक्स 7,700 से 9,000 ऊँटी मीडियम बारीक लड्डू मिक्स 6,000 से 7,000 ऊँटी मीडियम बारीक मिक्स 3,500 से 5,500 बिल्कुल दाते हल्के वाले और देसी लहसुन 6,000 से 7,700 देसी कच्चे पक्के माल 2,500 से 5,800 लगभग 800 बोरी के आसपास नहीं की आवक। बाजार कुछ भी ठीक ही देखने को मिला, बाजार अच्छा ही देखने को मिला है लहसुन के अंतर्गत बाजारों में। देशी लहसुन ऊपर में जीटू लहसुन बिका है 12,500, स्पेशल माल 9,500 से 10,000 काफ़ी ढेर बिके हैं 9,950, फुल गोले मोटे माल 8,500 से 9,500 लड्डू फुल गोले माल 8,000 से 8,500 बढ़िया वाइट लड्डू 7,000 से 8,000 और लड्डू किस्म के माल 6,500 से 7,000 लड्डू फुल गोले जो एवरेज टाइप के मिक्स वाले माल आते हैं 6,500 से 7,000 6,000 बोरी आवक बाजार 500 से 700 तेज कुछ लोटों में 800,000 तक भी तेज कुल मिला के ओवरऑल 500 रुपये की पक्की तेजी कह सकते हैं। बड़े मालों में आज जोरदार बाजार थे, बहुत अच्छे बाजार थे पुरानों में और अच्छी ले वाली थी जबरदस्त वाली। छोटे माल 5,800 से 6,500 पुना लड्डू टाइप वाली जो मीडियम टाइप आती है लड्डू पुना मीडियम वाली एक नंबर मीडियम 5,000 से 5,500 रुपये एवरेज मीडियम 4,500 से 5,000 बारीक छर्री माल 4,000 से 4,500 फुट माल 3,000 से 5,000 जैसी फुट की क्वालिटी वैसा दाम बाजार 500 रुपये तेज ले वाली मजबूत जोरदार। तो कल बाजारों में कल के मुकाबले बाजार काफ़ी अच्छे हैं। कल बाजार तो आपको पता ही था सुबह कैसे थे और आज के बाजारों में जबरदस्त जोश है, तो बाजार अच्छे हैं। कल मंडी चालू है, आप अपनी उपज विक्रय हेतु ला सकते हैं। जीटू ऊपर में 12,500 रुपये बिका, टॉप क्वालिटी का सबसे ऊंचा मूल्य आज का नीमच मंडी में 12,500 रुपये। जीटू के कोई भाव पक्के नहीं है, स्पेशल लाट आ जाए कुछ भी बिक जाए बाजार 500 रुपये तेज है। इस मालों में तो लगभग जो 11,500 बिका था कुछ समय दो चार दिन पहले आपको ऐसा ही लॉट वो 12,500 बिका, तो इस लॉट के अंदर तो 1,000 तेज भी कह सकते हैं। मगर ये पक्के बाजार नहीं होते हैं इसलिए हम जीटू के कोई पक्के बाजार नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अब जीटू का अंत समय है, बिल्कुल बहुत कम मात्रा में आवक आ रही है। कलौंजी 1,29,200 बिका, 1,18,700 बिका, बाकी बढ़िया माल 18,400 से 18,700 के बीच है। मीडियम माल 17,600 से 18,000 एवरेज क्वालिटी 17,000 से 17,500 चालू माल 15,000 से 17,000 हल्के में नीचे में जैसा माल वैसा दाम 300 बोरी आवक बाजार बढ़िया में 500 रुपये नरम बाकी 1,000 रुपये नरम कुछ लोड दो चार ऊपर बिक गए अच्छे क्वालिटी के बाकी बाजारों में भारी मंदी देखने को मिली आज। एवरेज पतले माल काफ़ी अंतर से बिके, बहुत डिफरेंस से माल आज बिका है कलौंजी के अंतर्गत। इस सब गोल 11,750 रुपये ऊपर में एक पैकेट माल का लॉट बिका है, बाकी बढ़िया पैकेट माल 11,500 से 600-700 तक और सेमी पैकेट माल 11,200 से 11,450 तक, बढ़िया एवरेज फायरिंग माल 10,900 से 11,200 तक, चालू माल 10,000 से 10,800 आवक रही लगभग 500 बोरी बाजार 100-200 रुपये चाल कुछ भी नरम देखने को मिला। तो लगभग कलौंजी इस सब गोल और धनिया सभी मध्य के रूप में दिख रहे हैं। मेथी धनिया की बात करें 5,575 ऊपर में हाईएस्ट बिका बढ़िया माल और एक नया माल सूखा था जो 5,000 बिका, नया माल 3,000 से 4,400 तक बिका, आवक 125 बोरी की नए धनिए की रही। पुराना धनिया ग्रीन माल 5,500 से 5,600, ईगल माल 5,200 से 5,500, बदामी माल 4,900 से 5,200 एवरेज माल 3,500 से 4,500 टंकी शंकी माल 1,800 बोरी आवक बाजार 100-200 रुपये नरम ही देखने को मिला, चाल कुछ भी कम है। तो लेवाली में पावर बिल्कुल नहीं है, धनिया में रुख एकदम से मध्य का बन चुका। मेथी दाना 5,000 से 5,150 एवरेज माल, बारीक माल 5,200 से 5,250, मोटे माल 5,300 से 5,500, एक्स्ट्रा बोल्ड माल 5,500 से 5,800, पुराने माल 3,500 से 5,200 रुपये अच्छे मेथे टाइप माल है। पुराने तो 5,000 से 5,200 तक बिक रहे हैं, बाकी 4,500, 4,800, 4,700, 4,800 रुपये ही बिक रहे हैं, 5,000 रुपये बाजार आज भी नरम देखने को मिला। आवक की बात किया जाए तो लगभग 1,000 बोरी के आसपास
में किराने में आवक देखने को मिली है। गेहूं की बात किया जाए तो 2131 सुपर में बिका सुपर माल 1925 से 2050, बढ़िया बेस्ट लोकमान 1850 से 1925, एवरेज माल 1770 से 1830, मिल बेस्ट 1750 से 1755, एक नंबर मिल, हल्की मिल 1600 से 1725, आवक लगभग 3500 बोरी के आसपास रही, बाजार 10-15 रुपये, कुछ भी 15 रुपये की छाल मध्य देखने को मिली है। कल के मुकाबले कुछ भी बाजार कम है, कल 70 रुपये तक भी मिल बिक रही थी, आज 1750 से 55 के बीच बिक रही है। मसूर की बात किया जाए 5150 रुपये ऊपर में बिकी है, बढ़िया माल 5050 से 5100, एक आध दो लॉट 5150 2550 तक, एवरेज माल 4900 से 5000 रुपये तक, आवक रही 100 बोरी, बाजार लगा लगभग समान, तो आने वाला समय कुछ भी चाल नरम देखने को मिल सकता है, ऐसा अग्रिम अनुमान दिखता है। डॉलर चना ऊपर में 5941 रुपये एक ढेर बिका, बढ़िया माल 5500 से 5800, एवरेज माल 4700 से 5300, नीचे में टालू डंकी शंकी माल 3600 से 4500 रुपये तक बिके, जैसी क्वालिटी वैसा दाम देखने को मिला। डॉलर चने के अंतर्गत 3600 से 4500 बाजार कुछ भी नरम ही समान ही देखने को मिला, आवक कुछ भी कम ही देखने को मिली, इसी कोई विशेष आवक नहीं रही। सोयाबीन के बाजारों की बात करें, बाजार कुछ नरम देखने को मिला, ऊपर में 4900 बीजू बिका, बीज वाले माल 4650 से 4900, टॉप परसेंट 0% माल 4580 से 4620, मीडियम माल 4500 से 4530 और एवरेज माल 4300 से 4400, आवक रही लगभग 5000 बोरी की, बाजार 30 से 40 रुपये नरम देखने को मिला। तो सोयाबीन में कल के मुकाबले बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिला है। इसके अलावा मक्का ऊपर में 1280 पीली बिकी, सफ़ेद 1200 से 1500 बिक रहा है, पीली मक्का 1250 से 1265, मीडियम माल क्वालिटी पीली मक्का 1221 से 1245 और नीचे वाली रेंज 1180 से 1210, 1000 बोरी आवक, बाजार 10 रुपये, कुछ भी सुधार है। तो निचले स्तर से बाजार में सुधार है, जो लगभग 5-5-10 रुपये करके बाजार 100 रुपये तक 3-4-5 दिनों में बाजार सुधर चुका है मक्का में। मूंगफली 5860 ऊपर में G2 बिका है, बढ़िया G2 एक्स्ट्रा माल 5500 से 5700, बढ़िया G2 माल जो है 5100 से 5400 बिक रहा है, चाइना माल 5200 से 5430, एवरेज माल 5000 से 5200 और चालू माल 4300 से 4800, 1500 बोरी आवक, बाजार समान देखने को मिला। अश्वगंधा ऊपर में 38000 रुपया बिका है, बढ़िया माल 35000 से 38000 रुपये, मीडियम क्वालिटी की 30000 से 34000 रुपये, एवरेज क्वालिटी की अश्वगंधा जो नीचे में तार वार वाले हैं, तार वाली क्वालिटी 15000 से 25000 तक बिक रही है, 300 बोरी आवक देखने को मिली और बाजार लगभग समान ही देखने को मिला। अश्वगंधा में कोई विशेष तेजी मती नहीं रही। पोस्ता दाना 1,29,000 से 1,31,500, तीनों पाल माल सेमी तीनों पाल माल 1,26,000 से 1,29,000, बढ़िया गुलाब माल 1,23,000 से 1,25,000, एवरेज गुलाब माल 1,20,000 से 1,22,000, रनिंग माल 1,13,000 से 1,18,000, आवक 400 बोरी, बाजार 1,500 रुपये नरम देखने को मिला। तो पोस्ते दाने में चाल कुछ नरम देखने को मिली। तो उच्चतम स्तर से बाजारों में कुछ करेक्शन है गिरावट वाला। इसके अलावा बात किया जाए चने में भी आज आवक है नए की कल जैसी, 50 बोरी की ऊपर में 4450 पुराना बिका, नया माल 3500 से 4300 तक बिका, 50 बोरी आवक, बढ़िया कलर चना विशाल 4100 से 4250, एक आध लोट 4450, कांटा चना 4200 से 4250, एवरेज माल 4100 से 4150, चालू माल 3900 से 4000, डंकी शंकी 3500 से 3800 रुपये, आवक रही 300 बोरी, बाजार की चाल कुछ भी ठीक देखने को मिली, बाजार कुछ भी 2150 था, 2550 रुपये से कुछ ठीक तेज भी कह सकते हैं। रायडा ऊपर में 5750, बढ़िया सूखा माल 5500 से 5600 बिक रहा है, कम सील वाला माल 5200 से 5400 बिक रहा है, गीला माल 4500 से 5200 बिक रहा है, जिसमें 20-30% वाला 4500-4700 और कम 10-15% वाला 5052 रुपये रायडा बिक रहा है, पुराने माल 5600 से 5725 तक के बाजार सूखे, एक नंबर स्पेशल मालों के, एवरेज माल 5200 से 5400, आवक नए की 1300 बोरी, पुराने की 150 बोरी, बाजार समान, कल से पुराने के भाव हम हटा देंगे, सिर्फ नए के ही बाजार देंगे क्योंकि नए की आवक अब देखने को मिल रही है। प्याज कांदे की बाजारों की बात करें, ऊपर में 2900 बिका, बढ़िया मोटे माल 2500 से 2900 तक बिके, एवरेज मोटे माल 2300 से 2500 तक बिके और गोल्टे माल 2900 से 2300 रुपये तक बिके, एवरेज माल 1500 रुपये से लगाकर 1800 रुपये तक बिके। आवक की बात किया जाए तो 2500 बोरी के आसपास आवक है, 2500 कट्टों की, बाजार 300 रुपये कल से तेज है, हर क्वालिटी में ले वाली अच्छी है। तो कुछ मिला के बाजार में पुनः सुधार आया है, तो तेजी मंदी का दौर कांदे में भी जारी है।
उड़द ऊपर में 7,300 बिका, बढ़िया माल 6,700 से 7,000, मीडियम क्वालिटी 6,200 से 6,600 के बीच बिक रही है, एवरेज माल 5,400 से 6,000 और जो चालू माल है 4,200 से 5,000 के बीच, आवक लगभग 600 बोरी। बाज़ार की बात किया जाए तो लेवाली कुछ भी बढ़िया थी, अच्छी लेवाली देखने को मिली बाज़ार में, कुछ भी 21,500 है मीडियम और बढ़िया क्वालिटी में, बाज़ार कुछ भी अच्छा ही देखने को मिला है। इसके अलावा बात किया जाए अलसी की, 5,175 एक लोड बिका, बढ़िया माल 5,100 से 5,175, मीडियम माल 5,000 से 5,100, चालू माल 4,900 से 5,000, 250 बोरी आवक, बाजार 50 से 75 रुपये कुछ भी नरम है, चाल कुछ भी बाजार की तो मध्य ही देखने को मिला, उच्चतम स्तर से बाजार वापस से घटते हुए। इसके अलावा बात किया जाए तिल्ली, 8,800 एक ढेर बिका, बढ़िया माल 8,500 से 8,700, मीडियम माल 7,800 से 8,300, एवरेज माल 7,000 से 7,500, आवक की बात किया जाए तो 100 बोरी आवक है, बाजार की बात किया जाए तो बाजार समाधि है, कोई तो विशेष तेजी मंदी तो देखने को नहीं मिली है। अजवाइन ऊपर में 15,000 बिका, ग्रीन माल बढ़िया, कलर माल की आवक कम थी, नहीं तो कलर ग्रीन माल 14,500 से 15,500 नया बिक रहा है, नया कलर वाला, एवरेज माल 13,000 से 14,000, तो नया देशी चालू माल 11,500 से 12,500, पोरी लाल माल 10,500 से 11,000 और पोरी लाल काले एवरेज माल जो है 9,000 से 10,000, चालू माल 8,000 से 9,000, बाजार इन पुराने बाजार इन लाल काले मालों में 300 रुपये नरम रहा, 700 बोरी आवक है, ये जो 8,000-9,000 वाली रेंज चालू की पूरी एवरेज लाल माल की और इन मालों में बाजार मद्दा देखने को मिला, कलर वाले ग्रीन मालों की आवक तो कमी देखने को मिली थी, आज लाल मालों की आवक ज़्यादा देखने को मिली थी। और कल से पुराने के बाजार भी कोशिश करेंगे कि न दे पाएंगे हम आपको, क्योंकि पुराने की आवकें भी सीमित आ रही है, पुराना अजवाइन उलानू तक के देंगे सिर्फ आपको, क्योंकि उनालू माल कुछ आ रहा है 13,000 से 14,500 तक, उनालू बढ़िया बिक रहा है, इन मालों में बाजार में कोई विशेष फर्क नहीं है, सामान्य ही टाइप कह सकते हैं। तुलसी बीज ऊपर में बिका 20,600, बढ़िया माल 19,800 से 20,500, मीडियम माल 19,000 से 19,500, एवरेज माल 16,500 से 18,500, नीचे में 11,000 से 14,000, 75 बोरी आवक है, बाजार 300 रुपये तेज है, कुछ भी ले वाली ठीक देखने को मिली है तुलसी बीज के अंतर्गत। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चाहिए।